नमस्कार, प्रकाशक के मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रकाशक का ये पटल हर शनिवार काव्य गोष्ठी का आयोजन करता है और इस काव्य गोष्ठी के आयोजन में हमारे साथ हमारे सहयोगी होते हैं नूतन सवेरा फोरम, डॉक्टर वाई मासूम रजा साहित्य अकादमी, अध्यतन कला संगम, पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क और वाइटिंग एंटरटेनमेंट। तो आज फिर एक बार आप सभी के सहयोग से ये शाम सजाई गई है और आज की इस शाम की खूबी ये है कि हमारे साथ दो बहुत जाने माने प्रतिष्ठित रचनाकार पटल पर हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं आदरणीय इंदुराज निगम जी और हमारे साथ पटल पर हैं राजेंद्र निगम राज जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार आदिल जी। जैसा कि हमारे साथ सुधा आदेश जी जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम से, बहुत सुंदर कथाकार हैं। सुधा जी स्वागत है आपका। राजेंद्र निगम राज जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। भूतपूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक रहे हैं, भूतपूर्व निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, भूतपूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद रेवाड़ी में और भूतपूर्व अध्यक्ष चित्रांश सभा और इसके साथ ही साथ संस्थापक अध्यक्ष परंपरा संस्था गुरुग्राम में है और राष्ट्रीय सलाहकार वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, उप कोषाध्यक्ष रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पालम बिहार गुरुग्राम में। प्रकाशित पुस्तकों की बात करें तो अब तक तुम्हारे नाम की कविता नामक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है और लापता है आदमी ये गजल संग्रह है जिसे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। काव्य यात्रा और सम्मान पुरस्कार पर एक नजर डालते हैं। विभिन्न पत्रों में, विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रही हैं। वार्षिक संकलन गीताप में रचनाएं प्रकाशित हैं। शब्द सागर, उज्जैन गजलों का नया इंद्रधनुष, इसमें भी आपका संयुक्त संकलन है। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लगातार काव्य पाठ करते रहे हैं। वार्षिक स्मारिका गीत उत्सव का संपादन किया है और काव्य गरिमा सम्मान से सुशोभित किए जा चुके हैं। युवा गीतकार सम्मान से सुशोभित किए जा चुके हैं। साहित्य श्री सम्मान से भी सम्मानित किए गए हैं और इसके अलावा हापुड़ द्वारा हापुड़ गौरव सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। विभिन्न सम्मानों से सम्मानित आदरणीय राजेंद्र राज निगम जी हमारे साथ पटल पर मौजूद हैं। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। और हमारे साथ पटल पर हैं इंदुराज निगम जी। वैसे राजेंद्र भाई की धर्मपत्नी है लेकिन हर रचनाकार और हर स्त्री का एक अलग से परिचय होता है और उसमें इंदु जी ने बहुत कुछ किया है। मैं थोड़ा नजर डालती हूँ। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्षा महिला काव्य मंच हैं, संयोजिका परंपरा संस्था की हैं और विभिन्न मंचों पर आप प्रस्तुति देती रही हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। 9 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और एक बड़ी बात कि आपके द्वारा लिखित सरस्वती वंदना रेवाड़ी स्थित स्कूल में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है, बहुत बड़ी बात है। रेवाड़ी में मातृशक्ति नाटिका में भी आपने अभिनय का भी आपको कोई शौक है और आपने उसमें भाग लिया है और इसके अलावा अनेक न्यूज चैनल्स में अनेक बार काव्य पाठ किया है। अनेक संस्थाओं के साहित्यिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सम्मानों की बात करें तो प्राइड ऑफ विमेन अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला सम्मान, इसके अलावा महादेवी वर्मा शक्ति सम्मान और शब्द साधना सम्मान से आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत
हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है आज मंच पर इन दो विभूतियों का स्वागत करते हुए। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता देती हूँ कि पटल पर हमारे साथ सुधा आदेश जी, तो मैंने बताया था, पूनम पाठक जी उपस्थित हैं। पूनम जी बहुत सुंदर रचनाकार हैं, कहानीकार हैं। पूनम जी बहुत बहुत स्वागत। शकुन मित्तल जी हैं। शकुन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। आदरणीय कुलीश जोशी जी हैं। कुलीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। वीना अग्रवाल जी हैं, स्वागत है। सुधीर कुमार राव जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूनम अहमद जी हैं, बहुत सुंदर कथाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी हैं, ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब आज की इस काव्य संध्या को हम शुरुआत करते हैं। और हम सबसे पहले आग्रह करेंगे आदरणीय इंदु जी से कि वो सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आरंभ करें। आदरणीय इंदु जी, बिल्कुल। आज आपका आदेश हुआ है राजन जी, मैं सरस्वती वंदना पढ़ती हूँ। स्वागत। चार लाइन पटल के लिए पढ़ने के बाद शुरू करती हूँ। शारदे मां नमने आपको। और आज हम दोनों राजन जी के सम्मानित प्रकाशक पटल से जुड़े हुए हैं, तो इस पटल को भी अर्पित नमन, इस पटल को भी अर्पित नमन। और हम आप सब जितने लोग हम दोनों को सुन रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, आप सबका बहुत स्वागतम। आपको भी समर्पित नमन, आपको भी समर्पित नमन। तो मैं बहुत बहुत वंदना से शुरुआत करती हूँ जी। स्वागत। लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा। मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था, मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था, अपने वश में नहीं था, पराधीन था, थी अंधेरी डगर राह कांटों भरी, थी अंधेरी डगर राह कांटों भरी, मुश्किलों से तुम्ही ने उबारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। गीत अपनी मधुर राग खोने लगे, गीत अपनी मधुर राग खोने लगे, चंद भी अपनी पलके भिगोने लगे, भाव निस्तेज थे शब्द निष्प्राण थे, भाव निस्तेज थे शब्द निष्प्राण थे, ज्ञान देकर तुम्ही ने निखारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। और अंतिम चंद पढ़ती हूँ। जो तुम्हारी चरण धूल को पा गया, जो तुम्हारी चरण धूल को पा गया, इस धरा पर गगन पर वही छा गया, इस धरा पर गगन पर वही छा गया,
हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, ध्रुव के जैसा बना दो सितारा हमें, ध्रुव के जैसा बना दो सितारा हमें, शारदी माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदी माँ तुम्हारा सहारा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माँ शारदे की स्तुति, बहुत सुंदर। हमारे साथ पटल पर विविध भारती की कॉम्पेयर आरती श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं। आरती स्वागत है आपका। बहुत सुंदर रचनाकार देहरादून से सुधा जुगरान जी, सुधा जी स्वागत है, नमस्कार। नीलम सौरभ जी हैं, नीलम जी आपका भी स्वागत है, नमस्कार। सृष्टि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सृष्टि बहुत अच्छा लिखती हैं, सृष्टि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सविता चड्ढा जी, सविता चड्ढा जी वरिष्ठ रचनाकार हैं, कविता कहानी जी जी, सविता चड्ढा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सविता चड्ढा जी ने आप दोनों को साधुवाद कहा है, प्रिय जुगल जोड़ी का स्वागत और अभिनंदन है। आपको भी प्रणाम दीदी। अब मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय राजेंद्र जी से कि वो रचना पाठ करें, और हम ऐसे करेंगे कि दो रचनाएं आपने पढ़ी और दो रचनाएं इंदु जी ने, तो थकेगा भी नहीं कोई, वैसे थकते नहीं है, थकान नहीं होती, लेकिन एक वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, तो दो आप पढ़ेंगे, दो आप पढ़ेंगे, ऐसे कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय प्रमला भारती जी को पहले मैं नमन करता हूँ, उनका आदेश, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमें मिला है इस पत्र जोड़ने के लिए, और राजू जी आपका बहुत आभार जोड़ने के लिए। चार लाइनें पहले प्रकाशक के लिए, हमसे जन्म जन्म के रिश्ते निभा रहा है, साहित्य के सफर को आगे बढ़ा रहा है, हमसे जन्म जन्म के रिश्ते निभा रहा है, साहित्य के सफर को आगे बढ़ा रहा है, और भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखा के, भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखा के, ये प्रकाशक पटल तो हर दिल पे छा रहा है, ये प्रकाशक पटल तो हर दिल पे छा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आज का थोड़ा माहौल जैसा हो रहा है, तो थोड़ी हिम्मत बांधेंगे, हिम्मत ऐसी बांधेंगे, सबको हिम्मत देंगे, तो एक रचना पेश करता हूँ। स्वागत। टूटी पतवारों से नैया पार लगाएंगे, टूटी पतवारों से नैया पार लगाएंगे, अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे, अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे, और गिरे हुए को सदा उठाना जिम्मेदारी है, और भूखे को रोटी देने में जीत हमारी है, तो ऐसे हर एक पल को हम, ऐसे हर एक पल को हम त्योहार बनाएंगे, अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे, क्या बात है, राहों के कांटों को मिलजुल कर हम चुनेंगे, मंजिल के ताने बाने को हंस कर बुन लेंगे, धीरज को इस जीवन का, धीरज को इस जीवन का आधार बनाएंगे, कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। आजकल के बच्चों के लिए कि नहीं खुदकुशी या तनाव या डरने की बातें, और हिम्मत रखेंगे तो आएंगी उजियारी रातें, कि नहीं खुदकुशी या तनाव या डरने की बातें, हिम्मत रखे तो आएंगी उजियारी रातें, तो दिन में देखे सपनों को,
दिन में देखे सपनों को साकार कराएंगे, कमजोरी को हम, और अंतिम छंद है कि जिनको पढ़कर हर एक गम को भूले ये दुनिया, और मोहब्बत के झूले में झूले ये दुनिया, जिनको पढ़कर हर एक गम भूले ये दुनिया, और मोहब्बत के झूले में भूले ये दुनिया। तो गीतों गजलों का ऐसा, गीतों गजलों का ऐसा संसार बसाएंगे, चोरी को हम हथियार बनाएंगे, हथियारों से नैया पार लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस आशा को, इस हिम्मत दिलाने वाले गीत को नमन। और अब मैं फिर से राजेंद्र निगम राजी से ही अनुरोध कर रही हूँ कि वो एक ही और पढ़े, और मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को फुल स्क्रीन में कर दूँ जब आप लोग विशेषकर काव्य पाठ कर रहे हैं, और मैं नीचे ही हूँ इसी स्ट्रीम यार्ड में, स्टूडियो में ही मैं नीचे हूँ, लेकिन आप दोनों लोग जब फुल स्क्रीन में आएंगे तो क्या शोभा बढ़ेगी वो जरा देखें, क्योंकि मैंने देखी है वो शोभा, तो मैं चाहती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी देखें। लेकिन आप बीच में आकर ये हिम्मत बढ़ती रहेगी। हाँ जी, हम नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, हम यहीं पर हैं, आपको आवाज सुनाई देती रहेगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। और सुशीला यादव जी, पूनम अहमद जी, कुलिश जोशी जी, ज्योति रावत जी भोपाल से, प्रणव भारती जी, शकुन मित्तल जी, प्रेम बिहारी मिश्रा जी, सविता चड्डा जी, आप सबका नमस्कार प्रणाम, रूबी मोहंती जी, मनोज बोध जी, सबका स्वागत है। राजेश राज जी जुड़े हैं, बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम आपको सर, प्रणाम सबको करती हूँ। एक गजल के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ, बीच में रोकने के लिए गजलों के जी आदरणीय अंकल राजेश राज जी, बहुत सौभाग्य है कि आज वो मंच पर पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है अंकल, बहुत स्वागत है, स्वागत है, प्रणाम। और हौसला बढ़ गया आपके आने से कि गजलों के कारीगर जैसे हम भी हैं, कि गजलों के कारीगर जैसे हम भी हैं, और गीतों के हर अक्षर जैसे हम भी हैं, कि गजलों के कारीगर जैसे हम भी हैं, और गीतों के हर अक्षर जैसे हम भी हैं, और लफ्जों के जादूगर जैसे हम भी हैं, लफ्जों के जादूगर जैसे हम भी हैं, और मन ही मन इंदीवर जैसे हम भी हैं, कि मन ही मन इंदीवर जैसे हम भी हैं, और कुछ लोगों को हमसे भी उम्मीदें हैं, सबको तो नहीं है, कि कुछ लोगों को हमसे भी उम्मीदें हैं, कि गुरुद्वारे के लंगर जैसे हम भी हैं, कि गुरुद्वारे के लंगर जैसे हम भी हैं, और प्यार मोहब्बत की करते हेरा फेरी, प्यार मोहब्बत की करते हेरा फेरी, एक अनोखे तस्कर जैसे हम भी हैं, कि प्यार मोहब्बत की करते हेरा फेरी, एक अनोखे तस्कर जैसे हम भी हैं, और सूफी संतों जैसी गजलें गाते हैं, कि सूफी संतों जैसी गजलें गाते हैं, धरती पर पैगंबर जैसे हम भी हैं, ये हम सब शायरों की तरफ से, सब कवियों की तरफ से है, कि सूफी संतों जैसी गजलें गाते हैं, धरती पर पैगंबर जैसे हम भी हैं, और कुछ कुछ कड़वे हैं लेकिन सहलो प्यारे, कि कुछ कुछ कड़वे हैं लेकिन सहलो प्यारे, कि कोरोना के नस्तर जैसे हम भी हैं, बहुत अच्छे, कि कोविशील्ड और जो या यह भी कोवैक्सीन उसके साथ हम भी हैं, कि कुछ कड़वे हैं, कुछ कुछ कड़वे हैं लेकिन सहलो प्यारे, कि कोरोना के नस्तर जैसे हम भी हैं, और राम अहिल्या का तुमने उद्धार किया, अरे राम अहिल्या का तुमने उद्धार किया, अरे छोटे मोटे पत्थर जैसे हम भी हैं, अरे राम अहिल्या का तुमने उद्धार किया, छोटे मोटे पत्थर जैसे हम भी हैं, और जिनके तीनों वादा करके भूल गए, कि जिनके तीनों वादा करके भूल गए, उनके चौथे बंदर जैसे हम भी हैं, कि जिनके तीनों वादा करके भूल गए, उनके चौथे बंदर जैसे हम भी हैं, और दुनिया भर का विष पी डाला हमने भी, सारे कवियों ने पिया, सभी साहित्यकारों ने पिया है, कि दुनिया भर का विष पी डाला हमने भी, कि भोले भाले शंकर जैसे हम भी हैं, कि दुनिया भर का विष पी डाला हमने भी, और भोले भाले शंकर जैसे हम भी हैं, और आखिरी शेर है कि नाम अदीबों में तुम लिखो मत लिखो, कि नाम
अदीबों में तुम लिखो मत लिखो, लेकिन कुछ कुछ शायर जैसे हम भी हैं। कि ना अदीबों में तुम लिखो मत लिखो, लेकिन कुछ कुछ शायर जैसे हम भी हैं, लेकिन कुछ कुछ शायर जैसे हम भी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राजेश, बहुत 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 आभार राजेश अंकल ने तुरंत, क्योंकि वो आशु रचनाएं करते हैं और फटाक से उन्होंने लिख भेजा है, राज नाम हम दोनों में है जुड़ा हुआ, कविता के बाजीगर जैसे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब सपना एहसास जी भी हमारे साथ आ गई। सपना जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच आभा को शेष जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी, नमस्कार। अब मैं एक बार फिर से आवाज दे रही हूँ आदरणीय इंदु जी को कि वो काव्य पाठ करें। आदरणीय इंदु जी जी, एक मुक्तक पढ़ती हूँ फिर रचना। मैं नदी बन गई तुम किनारे हुए, मैं नदी बन गई तुम किनारे हुए, एक दूजे के दोनों सहारे हुए, एक दूजे के दोनों सहारे हुए, एक रिश्ता सा जुड़ने लगाए सरा, एक रिश्ता सा जुड़ने लगाए सरा, मैं तुम्हारी हुई तुम हमारे हुए, मैं तुम्हारी हुई तुम हमारे हुए। अब एक अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए एक रचना पढ़ती हूँ। जब बड़ी हो गई बेटियाँ, जब बड़ी हो गई बेटियाँ, बन के वो उड़ गई तितलियाँ, बन के वो उड़ गई तितलियाँ, जब बड़ी हो गई बेटियाँ, दिल ने नाजों से पाला उन्हें, जिंदगी भर संभाला उन्हें, दिल ने नाजों से पाला उन्हें, जिंदगी भर संभाला उन्हें, आज फैला रही रोशनी, आज फैला रही रोशनी, जैसे चमके कहीं बिजलियां, बन के वो उड़ गई तितलियां। आज बेटियों को भी आजादी का हक मिलना चाहिए कहती हूँ। वो भी संसार से जुड़ सके, खुल के आकाश में उड़ सके, वो भी संसार से जुड़ सके, खुल के आकाश में उड़ सके, मत रिवाजों में जकड़ो उन्हें, मत रिवाजों में जकड़ो उन्हें, खोल दो पांव की बेड़ियां, बन के वो उड़ गई तितलियां। और एक दिन ऐसा भी आता है कि बेटियों को अपने बाबुल का घर छोड़ना पड़ता है, तो कहती हूँ, एक दिन फिर विदा कर दिया, तन से मन को जुदा कर दिया, एक दिन फिर विदा कर दिया, तन से मन को जुदा कर दिया, याद करती है हर पल हमें, याद करती है हर पल हमें, यूं ही आती नहीं हिचकियां, यूं ही आती नहीं हिचकियां, बन के उड़ गई तितलियां, जब बड़ी हो गई बेटियां, जब बड़ी हो गई बेटियां, बन के उड़ गई तितलियां, बन के उड़ गई तितलियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी रचना मैं पढ़ रही हूँ, एक श्रृंगार गीत पढ़ती हूँ। सुंदर भावों का देने वाली रचना, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और हमारे साथ बेंगलुरु से
आदरणीय ज्ञानचंद मर्मागी जी, बहुत सुंदर कविताओं के धनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानचंद मर्मागी जी। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हैं। दीदी आपका बहुत स्वागत है, आपका नोएडा से जुड़ी हुई है दीदी, बहुत वरिष्ठ कवित्री हैं। रचना पढ़ती हूँ। नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखती हूँ, नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम तुम्हारा सुबह सुबह जब तुम्हें निहारूं सूरज खिल जाता, सुबह सुबह जब तुम्हें निहारूं सूरज खिल जाता, और रात को देखूं मन में चंदा मुस्काता, और रात में देखूं मन में चंदा मुस्काता, रंग बिरंगे फूल हर एक दिन हर पल खिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम तुम्हारा मोर नाच उठते मन में जब सावन आता है, मोर नाच उठते मन में जब सावन आता है, मत जाना बगिया में मन को मन समझाता है, मत जाना बगिया में मन को मन समझाता है, लेकिन ऐसे मौसम कहाँ हमेशा मिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। और अंतिम छंद है, मन का मन से जाने कैसा रिश्ता होता है, मन का मन से जाने कैसा रिश्ता होता है, चोट लगे एक मन को तो दूजा मन रोता है, चोट लगे एक मन को तो दूजा मन रोता है, प्रेम के धागे से मन के रिश्तों को सिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमारी वरिष्ठ कवित्री आदरणीय ममता किरण जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्ते ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सविता चड्ढा जी ने कहा है लाजवाब इंदु जी का शानदार गीत, वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अब एक बार फिर मैं आवाज दे रही हूँ आदरणीय राजेंद्र राज जी को। जी धन्यवाद। एक गजल के बाद कि खुशियां औरों की देखी तो जलने लगते लोग, कि खुशियां औरों की देखी तो जलने लगते लोग, और गिर जाए कोई तो उस पर हंसने लगते लोग। ये जमाना आजकल लगा है कि वक्त बुरा है, वक्त बुरा भी टल जाएगा हिम्मत रखें तो, कि वक्त बुरा भी टल जाएगा हिम्मत रखें तो, लेकिन जाने क्यों घुटनों पर टिकने लगते लोग। वक्त बुरा भी टल जाएगा हिम्मत रखें तो, लेकिन जाने क्यों घुटनों पर टिकने लगते लोग, और हार न मानो चलते जाओ मंजिल कहती है, कि हार न मानो चलते जाओ मंजिल कहती है, घबरा जाते समझ न पाते थकने लगते लोग, कि घबरा जाते समझ न पाते थकने लगते लोग। और शेर देखिएगा कि मन करता है नाव बनाए जी भरकर भीगे, सबके मन में इसी बच्चों जैसी चीज आती होगी कि मन करता है नाव बनाए जी भरकर भीगे, पर बारिश से छाता लेकर बचने लगते लोग।
कि मन करता है नाव बनाए जी भरकर भीगे, पर बारिश से छाता लेकर बचने लगते लोग। और वैसे तो दुनियादारी समझाते हैं सबको, कि वैसे तो दुनियादारी समझाते हैं सबको, लेकिन मौका पड़ने पर खुद छुपने लगते लोग। कि वैसे तो दुनियादारी समझाते हैं सबको, लेकिन मौका पड़ने पर खुद छुपने लगते लोग। और एक शेर रख रहा हूं कि झूठे वादों के धागों से बुनती है लेकिन, कि झूठे वादों के धागों से बुनती है लेकिन, कुर्सी के शातिर जालों में फंसने लगते लोग। कि कुर्सी के शातिर जालों में फंसने लगते लोग। आखिरी शेर देखिएगा कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, पर दौलत शोहरत की खातिर झुकने लगते लोग। कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, पर दौलत शोहरत की खातिर झुकने लगते लोग। धन्यवाद अर्जुन जी, बहुत सुंदर, सूरज को रास्ता दिखाती इस कविता का, इस गजल का जवाब नहीं, बहुत खूबसूरत है। और अभी आप एक गीत पढ़ने वाले थे जी, एक गीत जी जी। तन के काफिए बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से, तन के काफिए बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से, गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे, कि दिल के सागर में हलचल है ज्वार और भाटा, और हम तुम इतनी दूर हुए पसरा है सन्नाटा, कि रोटी जितनी दूर हुई है, कि रोटी जितनी दूर हुई है, आज गरीबों से मौन रहे कैसे, मौन रहे कैसे, गजल कहे कैसे। और छंद देखिएगा कि किस्मत की तुरपाई करके रिश्ते सिल लेते, कि कुछ तो राहत मिल जाती अगर उनसे मिल लेते, कि दुनियादारी में उलझे, कि दुनियादारी में उलझे, रहे दूर फकीरों से, कहो जिए कैसे, कहो जिए कैसे, मौन रहे कैसे। और एक छंद देखिएगा कि स्वरव्यंजन सब रूठे से हैं पास नहीं आते, और दीर्घ और लघु भरमाते हैं रास नहीं आते, कि और व्याकरण करे दोस्ती, और व्याकरण करे दोस्ती, हाय रकीबों से गीत रचे कैसे, गीत रचे कैसे, गजल कहे कैसे। और एक छंद देखिएगा, आज का माहौल है कि राजा जी धृतराष्ट्र बन गए जनता गांधारी, और चीर हरण नन्नी कलियों का कैसी लाचारी, तो राजा जी धृतराष्ट्र बन गए जनता गांधारी, चीर हरण नन्नी कलियों का कैसी लाचारी, तो काना आकर तुम्ही बचा लो, काना आकर तुम्ही बचा लो, इन्हें सलीबों से दर्द सहे कैसे, दर्द सहे कैसे, गजल कहे कैसे। अंतिम छंद है कि आज सियासत हर एक दिल में नफरत है घोले, और कौन करेगा यहाँ बगावत कोई तो बोले, तो सब उम्मीद लगाए बैठे, कि सब उम्मीद लगाए बैठे, सिर्फ अदीबों से होठ सिए कैसे, होठ सिए कैसे, गजल कहे कैसे। तन के काफिए बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से, गजल कहे कैसे, गजल कहे कैसे। बहुत धन्यवाद, बहुत तन के काफिए बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत। अब मैं निवेदन कर रही हूँ आदरणीय इंदु जी से, और उत्सुकता से इंतजार कर रही हूँ कि वो क्या सुनाने वाली है।
पिछला गीत तो अभी वो कान्हा जैसे लगते हो, वो बहुत खूबसूरत गीत था और उम्मीद है कि कुछ ऐसा ही फिर से हमारे कानों तक पहुंचेगा। तो आदरणीय इंदु जी से जी बताए। धन्यवाद। सभी लोग सपना देखते हैं और सपने को पूरा भी करना चाहिए, तो देखिए एक गीत पढ़ती हूँ। जो सपना देखा है पूरा करना है, जो सपना देखा है पूरा करना है, खुद से अब ये वादा करके सोना है। जो सपना देखा है पूरा करना है, सीखा है सूरज से अंधियारा हरना, सीखा है सूरज से अंधियारा हरना, और चांद से रात रात भर का जगना, और चांद से रात रात भर का जगना। मेहनत से क्या डरना, क्यों कर रोना है, जो सपना देखा है पूरा करना है, खुद से अब ये वादा करके सोना है। जो सपना देखा है प्रेम और विश्वास हमारा गहना है, प्रेम और विश्वास हमारा गहना है, लाज है आका जेवर भी तो पहना है, लाज है आका जेवर भी तो पहना है, झूठा रुपया पैसा चांदी सोना है। जो सपना देखा है पूरा करना है, ये अंतिम छंद है। ये मत समझो रात अमावस वाली है, ये मत समझो रात अमावस वाली है, जब तक जीवन है तब तक हरियाली है, जब तक जीवन है तब तक हरियाली है, बंजर धरती में उम्मीदें बोना है। जो सपना देखा है पूरा करना है, जो सपना देखा है पूरा करना है, खुद से अब ये वादा करके सोना है। जो सपना देखा है पूरा करना है। दूसरा गीत पढ़ती हूँ। लेकिन उससे पहले ममता जी भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करी, बहुत खूब इंदु जी आदरणीय शकुन मित्तल जी, बहुत ममता जी है तो वाजपेयी जी भी होंगे। वाजपेयी भाई साहब का नमस्कार करता हूँ, भाई साहब, भाई साहब आपको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ। और वीणा वीणा दीदी भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रही है, दमयंती दीदी भी, सविता दीदी, सभी लोग। दूसरा गीत पढ़ती हूँ, एक थोड़ा सा सकारात्मक गीत पढ़ती हूँ। जरा गुनगुनाए हम, जरा गुनगुनाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जरा मुस्कुराए हम। हवा की ये थिरकन ये भावरे की गुंजन, हवा की ये थिरकन ये भावरे की गुंजन, कली की महक से महकता ये उपवन, कली की महक से महकता ये उपवन, ये दिल चाहता है गगन छू के आए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। दूसरा छंद है, नशे में जमी है, नशे में सितारे,
नशे में जमी है, नशे में सितारे, नशे में समंदर, नशे में नजारे, नशे में समंदर, नशे में नजारे, बहक जाए थोड़ा जरा झूम जाए हम, बहक जाए थोड़ा जरा झूम जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। और अंतिम छंद है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, ये अनमोल पल है यही जिंदगी है, ये अनमोल पल है यही जिंदगी है, इसी जिंदगी के लिखे गीत गाएं हम, इसी जिंदगी के लिखे गीत गाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जरा मुस्कुराए हम जरा गुनगुनाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, चलो भूल जाए हम। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा मुस्कुराने, थोड़ा गुनगुनाने की ये गुंजाइश और ये खूबसूरत मौका एक कवि ही निकाल सकते हैं। और कहते भी हैं कि जो रचनाकार होते हैं उनके लिए दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं होता। तो चाहे कितना भी मुश्किल दौर हो, कितनी भी निराशा हो, कितनी भी मायूसी हो, लेकिन एक आशा का जो गीत बजता रहता है उसके सृजन के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद इंदु जी। और अब एक बार फिर समय भी हो रहा है, आदरणीय राजेंद्र जी से अनुरोध है वो रचना पाठ जी। तो एक गजल, नई नस्ल ने नानी के घर जाना छोड़ दिया, नई नस्ल ने नानी के घर जाना छोड़ दिया, और बड़ों ने बच्चों को समझाना छोड़ दिया। क्या बात, और बड़ों ने बच्चों को समझाना छोड़ दिया। बर्गर पिज्जा चॉकलेट ने स्वाद बिगाड़ा है, बर्गर पिज्जा चॉकलेट ने स्वाद बिगाड़ा है, कच्ची अंबिया इमली कैथा खाना छोड़ दिया, कच्ची अंबिया इमली कैथा खाना छोड़ दिया, और स्विमिंग पूल का ठहरा पानी किस्मत में ठहरा, स्विमिंग पूल का ठहरा पानी किस्मत में ठहरा, नहरों में जा कर के सुबह नहाना छोड़ दिया, कि नहरों में जा कर के सुबह नहाना छोड़ दिया, और कंप्यूटर मोबाइल के आगे घुटने टेके, अब तो हमने भी टेक दिए हैं कि कंप्यूटर मोबाइल के आगे घुटने टेके, पेड़ों पर चढ़कर दिन भर बतियाना छोड़ दिया, कि पेड़ों पर चढ़कर दिन भर बतियाना छोड़ दिया, और घड़े सुराही छोड़े एसी कूलर अपनाया। बच्चों क्या हम सबका दोष ये कि घड़े सुराही छोड़े एसी कूलर अपनाया, भरी दोपहरी बगिया में सुस्ताना छोड़ दिया, कि भरी दोपहरी बगिया में सुस्ताना छोड़ दिया, और धुआं कार का मोटरसाइकिल का मन को भाया, कि धुआं कार का मोटरसाइकिल का मन को भाया, और बैलगाड़ियों पर वो आना जाना छोड़ दिया, कि बैलगाड़ियों पर वो आना जाना छोड़ दिया, और अंतिम शेर कि तब गर्मी
की छुट्टी कटती थी नानी के घर। हम लोग तो 3-3 महीने रहते थे गर्मियों में, कि तब गर्मी की छुट्टी कटती थी नानी के घर, अब नानी ने बच्चों बिन मुस्काना छोड़ दिया, अब नानी ने बच्चों बिन मुस्काना छोड़ दिया। तो ये छोटी सी गजल, उसके बाद अब गीत की तरफ आ रहा हूं। इस बीच मई से रवि यादव जी, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, बहुत कुछ गीतकार, आपको नमन करता हूँ। ममता जी, वाजपेयी जी, वीणा अग्रवाल जी, शकुन मित्तल जी, पूनम अहमद जी, ज्योति जी, प्रणव भारती जी और सरिता चड्ढा जी, रेणु लुथरा जी, सपना एहसास जी, जितने नाम मेरे पास सभी हैं मैंने पढ़ दिए हैं, सबका स्वागत, सबका नमस्कार, सबका आभार। और जिनके नाम छूट गए हैं या जिनके नाम मैंने गलत पढ़ दिए हैं उन सबको मैं दोबारा प्रणाम करता हूँ, क्षमा सहित। और एक राजुल जी, एक रचना में रख रहा हूँ, उनके लिए रख रहा हूँ, उनके लिए लिखी गई है, जो हमारे बच्चे, बहुत से हमारे लोग जुड़े हुए मित्र लोग जिनके बच्चे विदेश चले गए हैं, उनसे दूर हैं, तो एक उनको मन में रख के एक रचना लिखी गई है, मैं पेश कर रहा हूँ। छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, जाने अब वो किस मंजिल तक जाएगा, और जाने किन किन राहों पर वो भटकेगा, जाने कब वो मुझ तक वापस आएगा। छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, और एक छंद देखिएगा, कि मन कहता है समझो उसकी मजबूरी, लेकिन रास नहीं आती है ये दूरी, और ये दूरी मिटने तक ऐसा लगता है, हर पल यूं ही दिल को वो तड़पाएगा, जाने कब वो मुझ तक वापस आएगा। और हम सब कहते हैं कि जो बच्चे चले गए बाहर विदेश, उनकी ही गलती है, और ये क्या सच है कि उसकी ही गलती है, सबने ये माना, ठीक नहीं है यूं ऊपर उड़ते जाना, और लेकिन उड़ना मैंने ही सिखलाया था, लेकिन उड़ना मैंने ही सिखलाया था, दुनिया को आकर के कौन बताएगा, जाने कब मुझ तक वापस आएगा। धन्यवाद। और ऊपर बढ़ते जाओ ये समझाया था, ये सपना भी मैंने ही दिखलाया था, और मेरा सपना पूरा करने की खातिर अपनी नींदों को बेवजह गंवाएगा, जाने कब वो मुझ तक वापस आएगा। और छंद देखिएगा, कि सात समंदर पार बसाया डेरा है, सूरज कब निकलेगा बड़ा अंधेरा है, और एक दिन ऐसा होगा इस अंधियारे को वापस आकर के वो दूर भगाएगा, जाने कब वो मुझ तक वापस आएगा। अंतिम छंद है, जैसा इधर होता है वैसा उधर भी होता होगा, कि अक्सर अपना धीरज वो भी खोता है, अंदर ही अंदर छुप छुप कर रोता है, कि अक्सर अपना धीरज वो भी खोता है, अंदर ही अंदर छुप छुप कर रोता है, रोते रोते एक दिन हंसना सीखेगा, और मुझे भी अपने साथ हंसाएगा, जाने कब वो मुझ तक वापस आएगा। कि छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, जाने अब वो इस मंजिल तक जाए। धन्यवाद। दिल को छू लेने वाला गीत, थोड़ी देर के लिए मुख हो गए, मौन हो गए, और इस गीत के बाद शब्द नहीं बचते हैं, क्या कहा जाए, बहुत सुंदर गीत।
धन्यवाद। आप दोनों की उपस्थिति से आज मंच पे बहुत एक समा, जैसा कि कहा हमारे आदरणीय शायद पुलिस जोशी जी ने कहा कि समा बन गया है, तो वाकई समा बन गया। और उस समा के साथ हर रंग की, जीवन के हर रंग पर आपका, आपकी लेखनी का वो जो एक, आपकी लेखनी से जो सुंदर सुंदर रचनाएं आई उससे आज इस मंच पर बहुत खूबसूरत समा बना। तो इसके साथ ही अब आज की इस शाम को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं और इच्छा बहुत है। रजन जी, अगर एक छोटी सी रचना पढ़ लो, बस हास्य रचना एंड में, हास्य हास्य है छोटी सी। जी स्वागत है, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। स्वागत है। जी जी, स्वागत। अच्छा चलिए, अब वो ऐसा था कि आदरणीय प्रेमला जी अक्सर पूछती हैं कि दोनों लोग कविता करते हैं तो रोटी कौन बनाता है, तो वही बात याद आ रही है कि दोनों कविता करते हो तो रोटी कौन बनाता है, कि दोनों कविता करते हो तो रोटी कौन बनाता है, चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा कौन लगाता है, कि दोनों कविता करते हो तो रोटी कौन बनाता है, चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा कौन लगाता है, कि आखिर अफसर हो दफ्तर से थक कर के आते होगे, कि आखिर अफसर हो दफ्तर से थक कर के आते होगे, तो थक कर के आते हो तो फिर सिर को कौन दबाता है, थक कर के आते हो तो फिर सिर को कौन दबाता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि कवित्री बीवी के नखरे अधिक उठाने पड़ते हैं, कवित्री बीवी के नखरे अधिक उठाने पड़ते हैं, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा स्वयं लगाने पड़ते हैं, दफ्तर में अफसर हूँ लेकिन होम मिनिस्टर मैडम है, कि दफ्तर में अफसर हूँ लेकिन होम मिनिस्टर मैडम है, सुबह शाम बेलन के डर से पांव दबाने पड़ते हैं, सुबह शाम बेलन के डर से पांव दबाने पड़ते हैं। तो ये बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ कहा, बस वो अंत है। राज साहब की बात से क्या आप लोग सहमत है, कविता करने से किसी के थकते नहीं, हमें तो ये बिल्कुल है। और बेलन वाली बात से तो हम कतई इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि कितनी प्यारी इंदु जी के हाथ में बेलन जब आता होगा तो उससे खूबसूरत गोल गोल रोटियां फूली फूली निकलती होंगी, उससे किसी के को चोट पहुंचाने की आशा से तो वो बेलन इंदु जी के हाथ से उठ ही नहीं सकता, तो मैं नहीं मान सकती। राज जी आपको बुलाएंगे दर्शन कराने के लिए। इनकी बातें क्या कहना बेकार छलावा होती हैं, इनकी बातें क्या कहना बेकार छलावा होती हैं, याद नहीं रखना इनको ये एक भुलावा होती हैं, याद नहीं रखना इनको ये एक भुलावा होती हैं, कविता करने से तो अब तक पैर किसी के थके नहीं, कविता करने से तो अब तक पैर किसी के थके नहीं, पैर दबाने की बातें तो सिर्फ दिखावा होती हैं, पैर दबाने तो सिर्फ दिखावा होती है, पैर दबाने की बातें तो सिर्फ दिखावा होती है। वाह वाह वाह, शक्ति मित्र जवाब दीजिए इंदु जी, और इंदु जी के जवाब पे तालियां। वैसे राजेंद्र निगम जी ने भी जो बात कही वो भी बड़ी एक जीवन का एक, वो भी एक रुख हो सकता है, लेकिन हम आदरणीय इंदु जी की के लिए इस तस्वीर के रूप में उनकी कल्पना कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हाथ में बेलन और सामने राजेंद्र जी, हम तो बस यही सोचेंगे कि जब इंदु जी के हाथ में बेलन है तो उससे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना पक रहा है और रोटियां बन रही हैं। तो बहुत, ये तो समझ लीजिए कि एक जिसको कहते हैं ना बोनस, इस तरह एक बोनस हो गया, और उस बोनस के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ये पटल पर मौजूद सब लोगों को बता दूं, आज शायद मेरा दिमाग कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है, लेकिन आदरणीय राजेंद्र निगम राजी ने और इंदु राजी ने बहुत सुंदर ढंग से संभाला और बहुत अच्छे ढंग से रचना पाठ किया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शकुन मित्तल जी कह रही हैं आज तो आनंद भयो, बिल्कुल हम इत्तेफाक रखते हैं, आनंद ही भयो आज, और आने सबके आने से आनंद हो जाता है। हम दोनों ने सोचा था कि निराशावादी चल रहा है माहौल, तो इसमें लास्ट में अंतिम हम लोग हाथ रचना से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके साथ वो किया समापन।
तो अब आज की इस गोष्ठी को यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी मनीषियों से इजाजत लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद की प्रकाशक के पटल पर। अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचें।